हेलो फ्रेंड्स, आज हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। अलग अलग तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उनमें से एक विंडोज 7 है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह की होती है, जैसे कि विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP 7, विंडोज 10, विंडोज विस्टा और कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक डिस्प्ले होती है जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पर्सनलाइज में जाएंगे, जिसमें से हम ये विंडो सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर जो होता है वो ये वाला होता है। ये नीचे की जो पट्टी है उसे हम टास्क बार बोलते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी है उसे आइकन्स बोलते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट मेनू है, इस स्टार्ट पर हम क्लिक करके प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ से भी हम कोई भी प्रोग्राम अपना ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड ओपन कर सकते हैं, एक्सेल ओपन कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर का नेम लिखेंगे तो ये सर्च होके हमें डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पे पावर पॉइंट लिखते हैं तो इस तरीके से ये यहाँ पे सर्च होता है। जो भी सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पे सर्च होके हमें दिखता है। अब देखेंगे, जैसे कि हमें कंप्यूटर ओपन करना है तो हम यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, उस ओपन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर जो है वो ओपन हुआ है, कंप्यूटर की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। इसे क्लोज कर देते हैं। इसे कुछ इस तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर पे जाके हम डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो देखिए यहाँ पे ये विंडो है जो कंप्यूटर की वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे इसके अंदर ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव, इस तरीके की ड्राइव है। ये कुछ यहाँ से भी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर पे हमें यहाँ पे जो भी ड्राइव में जाना है हम जा सकते हैं। जैसे कि हम सी ड्राइव में गए तो सी ड्राइव के अंदर आ गए, डी ड्राइव में गए तो डी ड्राइव के अंदर आ गए। अगर हमें डॉक्यूमेंट पे जाना है तो हम डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड में जाएंगे हम, लाइब्रेरीज है यहाँ पे। अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, वापस हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। अब जैसे कि हमने बोला था, कंप्यूटर को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे उसकी एक शॉर्टकट की भी है। विंडोज के साथ हम ई बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ से डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, अदरवाइज आप यहाँ से उसे मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे शो डेस्कटॉप पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की जो है, विंडो के साथ हम डी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पे हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये जो थी उसकी शॉर्टकट की थी। अब हमें ये कंप्यूटर जो है वो बंद करना है, टर्न ऑफ करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, जिसमें शटडाउन में से यहाँ पे ऑप्शन है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये टर्न ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा। अगर हमें इसे रिस्टार्ट करना है तो हम रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और इसे यहाँ पे टर्न ऑफ करने के लिए इसकी एक शॉर्टकट की भी है। कीबोर्ड से हम अल्टर की के साथ F4 की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए शटडाउन की जो विंडो है वो ओपन हो गई। यहाँ से आप इसे शटडाउन कर सकते हैं। तो हमने आज विंडोज 7 की इसके कुछ बेसिक ऑप्शंस देखे, जैसे कि विंडोज स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें से प्रोग्राम कैसे ओपन कर सकते हैं, इसे क्लोज कैसे कर सकते हैं, ये सब बेसिक है। थैंक यू।